हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। आज मेरे साथ आदित्य जुड़ रहा है, जिसका सिलेक्शन उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में हो गया है। तो आदित्य, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और क्या फीलिंग्स इस समय लग रही हैं भाई, कि क्या महसूस हो रहा है? यस सर, यस सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने के लिए कुछ मौका दिया सर। यस सर, अभी बहुत बहुत हैप्पी है सर। मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी जीजीयू बिलासपुर थी और ले लिया एडमिशन वहाँ। अच्छा, तो अभी क्या क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आदित्य वहाँ पे? हाँ सर, क्लासेस 21 तो नवंबर क्या से स्टार्ट है क्या लग सर। रहा है कि यहाँ एडमिशन लेके अच्छा किया या फिर? बहुत अच्छा सर, क्लास बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्लास बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया होता है सर। बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने आदित्य सुना है कि उसकी फीस भी कम है और एक मिडिल क्लास का जो बच्चा है वो भी वहाँ जाके पढ़ सकता है ना? यस सर, यस सर। अच्छा आदित्य, अभी जब सिलेक्शन तुम्हारा हो ही गया है तो बच्चों का यह सवाल रहता है कि आदित्य पढ़ने में पहले कैसा था? तो पहले से बहुत सर जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि पहले पढ़ने में मतलब अच्छा होना चाहिए या बहुत ज्यादा टॉपर होने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मेन बात ये सर, मेन बात आप जिस समय पर हैं उस समय के अनुसार सर। जैसे अभी मान लीजिए अभी एकाएक हमको पढ़ने का आजाद है, अभी से अगर हम मेहनत स्टार्ट कर दें तो ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर पहले से हम नहीं पढ़ रहे हैं और अभी स्टार्ट कर दिए तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर हम जब से स्टार्ट कर दिए तब से हो सकती है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं सर। पहले से हम भी एक एवरेज स्टूडेंट थे, ऐसा अच्छा, कुछ भी नहीं है सर। तो एजुकेशन मतलब ये यस सर। तुम्हारा 9th वगैरह में क्या था? साइंस बैकग्राउंड थे, आर्ट? सर साइंस बैकग्राउंड से हम 12th में अच्छा, कब पीसीएम थे ख्याल सर। आया भाई मेरा मुझे लॉ फील्ड में जाना है या मुझे BA LLB करना है, कब ये ख्याल आया? तो यस सर, ये तो खैर सर बचपन से ही था मेरा कि लॉ में ही करियर करियर बनाना है। यस सर, लेकिन साइंस को ही चुने क्योंकि सर अक्सर गांव में हो जाता है कि साइंस का थोड़ा ज्यादा ये हो जाता है। आर्ट लीजिए तो लगता है कि गांव वाले तो थोड़ा एक माहौल पब्लिसिटी साइंस का हो जाता है, तो इसी वजह से हम भी अच्छा, साइंस ही मतलब कर लिए गांव सर। जो क्योंकि समाज का एक जाना स्टिग्मा है उसकी वजह से साइंस ले लिए कि साइंस वाला यस सर, बच्चा यस सर, बहुत यस तेज सर, होता यस है ना, सर, यही था। यस लेकिन यस बी सर, एल एल यस बी सर। लेकिन जाना था लॉ ही में, यस सर, ये तो करना ही अच्छा था, यस सर, ये पहले से ही तय था, चलो, यस सर। मतलब जो बच्चे भी ये परेशान होंगे क्योंकि रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, बगल वाले परेशान कर रहे हैं, तो ये हर बच्चों के साथ होता है ना, कि उसको साथ साथ लेके चलना पड़ता है तैयारी में, यस है सर, ना? यस सर, यस सर, अच्छा यस आदित्य, जब अभी जो बच्चे आ रहे हैं तो सिलेबस क्या होता है BA LLB का, अगर बच्चा जानना चाहे तो क्या सिलेबस होता है? सर। सिलेबस यस सर, इसके लिए सर हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है सर। जैसे एक डोमेन में लीगल लेना पड़ता है, उसके बाद सर एक लैंग्वेज लेना पड़ता है। हिंदी इंग्लिश दो ऑप्शन रहते हैं, इसमें जिसका जो अपना बढ़िया वो ले सकते हैं। उसके बाद एक GT होता है, वो भी लेना अच्छा, पड़ता ये है। मतलब 3 चीज़ें होती हैं, अलग अलग डिवाइड होता है यस सर, यस और सर, इसी से चीज़ें यस होती सर, हैं। यस जैसा कि सर। अभी बात किया आदित्य, लीगल डोमेन में लीगल लेना पड़ता है, तो लीगल के लिए क्या पढ़ाई हुई तुम्हारे, उसके लिए सोर्सेज क्या यूज किए? सर लीगल में सर कुछ नहीं, बस आप ही आप जैसे जैसे बताते गए, जैसा जैसा बुक आप बोलते गए वैसा बुक लेते गए, और जैसा क्वेश्चन आप बताते सेम उसी टाइप का क्वेश्चन भी सर आ गया और अच्छे से अच्छा, कर लिए सर ऐसा। और ये भी था कि सर लीगल में पहली बार लीगल में आना सर, जैसे पहले तो लीगल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो एकाएक लीगल में आए तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हुई, लेकिन सर आप धीरे धीरे बताते गए और धीरे धीरे वो होते गए और मतलब अच्छा लग चीज़ें गया अच्छे सर। से समझ में आने लगी है ना? अच्छा, यस सर, कुछ बच्चों यस ने सर, यस सर। यादित ये भी शेयर किए, सर लीगल पढ़ने के बाद मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ने लगा, वो चाहे सोसाइटी के प्रति हो या सब्जेक्ट को पढ़ने के प्रति हो, क्योंकि वो हम लोग थोड़ा इंटरप्रेट करने के हिसाब से उसको देखने लगे। तो क्या ऐसा तुम्हारे भी साथ हुआ? यस सर, हाँ ये तो होता है सर। लीगल पढ़ने के बाद थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगने लगता है कि लगता है कि हम भी हम मतलब कुछ बोलने ये हो गया, हो जाता है सर अपने अंदर अच्छा, थोड़ा। क्योंकि आदित्य उसमें लीगल में कुछ यस टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसको भी हमको तोड़ के पढ़ना पड़ता है ना? तो ऐसा होता है कि एक यस अगर सर, यस लीगल एक बच्चा ठीक ठीक से पढ़ पा रहा है तो अदर जैसे GT के हो गए, हिंदी हो गए, कुछ बच्चों ने बताया सर मैंने हिंदी पढ़ा ही नहीं तब भी 70 से 70 क्वेश्चन के आसपास ऐसे ही हो जा रहे थे, तो जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था 7, 8 या 9, 10th में। तो एक चीज़ ये भी बताया कि सर ये सही हुआ कि मेरे अंदर का वो जो इंटरेस्ट है बुक को पढ़ने का वो जगने लगा है, जैसे कि होता है ना बचपन में मैथ जो पढ़ लेता है तो मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है। यस सर, हाँ, आगे तो तक यही मैथ रोल पढ़ने का लीगल में ही यस रहा, जैसे कि कुछ बच्चों ने अपनी व्यूज शेयर किए। ये तुम्हारे साथ था कि तुम्हारा कुछ अलग फंडा था कि क्या किया?
नहीं नहीं लीगल में सर वैसा कुछ भी फंडा नहीं था मेरे साथ सर, एकाएक साइंस बैकग्राउंड से थे और एकाएक लीगल में आए तो थोड़ा बहुत ये सर हुआ ये सर। लेकिन आप सर अच्छे से पहले ही बताते, जब क्लास स्टार्ट किए थे तो उस समय तो शुरू शुरू में कुछ समझ में नहीं आता था सर लीगल, लेकिन आप बहुत सपोर्ट करते थे, आपको कॉल करते तो आप बोलते थे कि कोई बात नहीं अभी पढ़ते चलो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जगता था कि चल पढ़ते हैं आएगा धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे वो सब सारी चीज क्लियर होते गई और सर आगे। अच्छा आदित्य, ये जो बच्चा भी इस बार देने आ रहा है या जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो सोच रहे हैं कि आदित्य का हो कैसे गया, वो कितना घंटा पढ़ता था, बहुत ज्यादा पढ़ता था या उनको कम ही पढ़ना है, क्या क्या रहेगा तुम्हारा क्या था और बच्चों को क्या कहोगे तुम? सर पढ़ने के लिए तो सर इसका तो सर कुछ भी नहीं, पढ़ने के लिए सबका अपना अपना ये होता है, हम तो 8-9 घंटा पढ़ते थे बस उसी में। पढ़ने के लिए देखिए सर क्या होता, 20-20 घंटे पढ़ के भी एडमिशन नहीं हो पाता और सर 5-5 घंटे पढ़ के भी हो जाता है एडमिशन, तो पढ़ने का अपना एक ये होता है कि क्वांटिटी में पढ़े या क्वालिटी में पढ़े। क्वालिटी में ज्यादा फोकस किया, क्वांटिटी में बिलीव नहीं किया। यस तो मतलब यस कम समय दे लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से। तो जैसे कि अभी आदित्य तुम्हारा कोई ड्रॉप था या ये फ्रेश था कि इंटर के बाद ही हो गया, एक साल गैप था, इस तरीके कुछ था? एक साल का गैप था सर मेरा भी, वो कोरोना की वजह से वो भी सर थोड़ा। अच्छा तो मतलब जो बच्चे इंटर के बाद आ रहे हैं वो 2 घंटे भी या 3 घंटे भी समय निकाल पा रहे हैं तो उनके लिए सफिशियंट होगा, और जो बच्चे जो गैप वाले हैं वो लगभग 5 से 6 घंटे अगर दे पा रहे हैं तो उनके लिए सफिशियंट होगा, उतना काफ़ी है। ठीक है आदित्य, तो फिर अभी एक बात और आती है आदित्य की, जैसे कि शुरुआत में तो सिलेबस तो बहुत कम होते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है, मज़ा आता है, लेकिन धीरे 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 वो बहुत ज़्यादा ढेर हो जाता है ना, तो फिर लगता है कि उन चीज़ों को रिवाइज कैसे किया, वो सारी चीज़ें रिवाइज कैसे हुई, और जैसे कि अभी बता रहे हो सर लीगल शुरू में समझ में नहीं आया तो वो बाद में कैसे रिवीजन कैसे हुआ उनको उसका? से इसके लिए यह है कि डेली पढ़ना चाहिए, इसके लिए रेगुलर कंटिन्यूटी होना चाहिए पढ़ाई में, इसका रिवाइज का यही तरीका है सर मेन सबसे। जैसे अगर 4-5 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसी को हम डेली पढ़ते रहे तब तो इसमें क्या होता है कि 2 घंटा पिछले वाला रिवाइज कर लिए और 2 घंटा जो सर बताया उसको। अच्छा बच्चों को ये चाहिए कि वो 4 घंटे अगर शेड्यूल बना रहे हैं अपना तो 2 घंटे रिवीजन को दें, 2 घंटे फिर नया पढ़ें। यस सर यस, तो इससे ये होगा कि बाद में उनको बर्डन नहीं होगा कि एग्जाम के टाइम रिवीजन कैसे करना है ना। यस सर यस सर, स्टार्टिंग से अगर रिवीजन और स्टडी दोनों मतलब होते रहेगा तो सर एक बर्डन नहीं होगा, मतलब एक बार पढ़ने के लिए उतना नहीं होगा। ठीक है आदित्य, तो आदित्य ये जो बच्चे भी इस बार आ रहे हैं उनके लिए तुम्हारा क्या सजेशन होगा कि वो क्या करें कैसे करें? यस सर, देखिए सर लीगल में जो आना चाहते हैं सर इस लॉ के फील्ड में सर उनके लिए तो यही है कि अपना अच्छे तरीके से समय दे, समय को मतलब दुरुपयोग ना करे और उसके बाद स्टार्टिंग से ही अभी से ही स्टार्ट कर दे, अगर 12th में तो अभी से मतलब फोकस बना ले कि एग्जाम के बाद हमको इसका एंट्रेंस देना है, सीयूटी का एग्जाम देना, तो अभी से ही मतलब उस पर लग जाना चाहिए। अच्छा अच्छा आदित्य, ये भी एक सवाल रहता है कि जैसे कि अभी बहुत सारी सीयूटी यूनिवर्सिटीज हैं तो जब तुम चूज कर रहे तो क्या था कि सारे यूनिवर्सिटी चूज कर लिया, पहले मन में था कि मुझे यही है यूनिवर्सिटी चूज करना, या जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस अपने अलग अलग हैं ना, कुछ ना कुछ उनमें ऐड हैं, तो क्या तुम्हारे मन में ऐसे था कि पहले चूज कर लिया फिर बाद में देखा कि देखेंगे जो होगा? ये तो होता है लेकिन एक होता है कि ऑप्शन लेके भी चलना पड़ता है, जैसे मान लीजिए सबका अपना अपना ये होता है, कोई इलाहाबाद जाना चाहता है जिसका मतलब जिसको जो पसंद आता है। अच्छा ये कहना चाह रहे हो कि जो मतलब तो, कि चूज कर लें सारे, अच्छा यही होगा कि चूज कर लें सारे, बाद में डिसाइड करेंगे किस में जाना है ना, पढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे हमारा मैच्योरिटी बढ़ता जाएगा तो हमें ये पता चलने लगेगा कि नहीं मुझे इसी यूनिवर्सिटी में जाना, चूज करने की जो जब फॉर्म भर रहे हैं तो या फिर तैयारी करें चूज सभी कर लें, बाकी अपने मन में रहे कि भाई ये चीज़ें हमको पढ़ते रहना। तो आदित्य लॉ पॉइंट चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा बच्चों आपने देखा कि आदित्य ने अपनी जो जर्नी शेयर की उसमें 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं कि जब भी आप स्टडीज़ करें तो उसके लिए रिवीजन का जो फंडा है वो बाद में ना अप्लाई करें, रिवीजन आप समय के साथ करते रहें, जैसे आज कुछ पढ़ा तो अपने शेड्यूल में थोड़ा समय निकाल लें रिवीजन के लिए फिर आगे चलते रहें। और जहाँ तक जैसे कि आदित्य ने बताया कि जो सिलेबस है वो सब NCERT 12th की है तो आप उसके लिए कोचिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बस ये है इंटरेस्ट कैसे जगे है ना, उसके लिए आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं उसको देख सकते हैं,
लॉ पॉइंट चैनल पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई कैसे चीज़ें करनी हैं, तो अगर आप उससे कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप कोई अदर सोर्सेस यूज करते कर सकते हैं। तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए बच्चे के साथ, उसकी जर्नी जानेंगे, उसके तरीके को समझेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।